ये समझ लें, ऑनलाइन और प्रैक्टिकली सीखने में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप आएंगे तो आप 100% करके जाएंगे, ऑनलाइन का भरोसा नहीं है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं ये हमें पता नहीं। तो देखो एंजॉय करो वीडियो, नए नए तरीके सीख गए तो सीख गए, नहीं तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि ये काम ऐसे नहीं सीखा जाता है, ये वीवो का फुली ब्लैक पेस्टेड है, कोई साउमी का सीपीयू नहीं है। अब हम सीपीयू लगाएंगे, ये देखो लगभग 10 सेकंड लगे होंगे मुझे। ये मेरा सीपीयू बाहर आ गया, ओनली 10 सेकंड, आप काउंट भी कर लेना मे भी उससे। तो चलो यार हम आज फिर आ गए हैं, ठीक है, और हम इस फोन का सीपीयू करेंगे जो कि एक, अरे यार कैमरे का बड़ा सीन है। तो देखो आज हम फिर आ चुके हैं और आज हम इस फोन का ब्लैक पेस्टेड सीपीयू निकाल के इसको लगाएंगे और इसको चालू रीडिंग आपको दिखाएंगे। तो सीपीयू कैसे करें, अभी हमने पावर डाली थी, फिर हमने एमएमटी डाली, अब हम ब्लैक पेस्टेड। तो जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है वैसे वैसे ये वीडियो बनते जा रहे हैं। सबसे पहले हम सीपीयू के आसपास का ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करने के लिए आपने एंड्रॉयड में 11 नंबर का ब्लेड यूज़ मत करना। आप काइंडली का ये ब्लेड यूज़ करना, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए कर्व, और हीट और अपना टेम्परेचर आप 40 और 270 पर रख लेना, ठीक है। आप प्रोटेक्शन के लिए आप बाजू में आप मेरा एमएमसी का वीडियो देख लेना कि मैंने प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाया था। फिलहाल मैं यहाँ पर डायरेक्ट ग्लू को कट करूँगा, एमएमसी सीपीयू साइड हमें चलाना है, कंपोनेंट साइड नहीं चलाना, ठीक है। अगर कोई कंपोनेंट निकल भी जाता है तो कोई सीन नहीं है, आप लगा देना। बाकी पैलर जो होंगे वो रेफरेंस के कैपेसिटर होंगे जो सीपीयू के पास होंगे, सीरीज़ या कैपेसिटर होंगे नहीं जनरली सीपीयू के पास, क्योंकि सीरीज़ का मीडियाटेक में कभी कोई काम नहीं है। पर डाना ट्रैक मत तोड़ना, क्योंकि वीवो के मोबाइल में ख़ास तौर पर ओप्पो के मोबाइल में ये ट्रैकें बहुत जल्दी कटती हैं। जो ग्रीन कलर की लेयर दिखाई दे रही है ना आपकी, इन ट्रकों की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंपोनेंट से तो रास्ता हटा ही देना है। इसलिए यूज ब्लेड यूज करना, नया ब्लेड नहीं। नहीं तो यूज जो ब्लेड होगा ना वो क्या होगा कि वो ट्रैकों को काट देगा सरफेस लेयर पे। ठीक है, अब हम सीपीयू को उतारेंगे।
इस बार हम सीपीयू को अलग मैटर से उतारेंगे। मैं भी जो है ट्राई करूँगा, मैं माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपने कैमरे को जूम अभी फिलहाल नहीं कर सकता, आप देख लो ठीक है। तो मैंने 350 एयर रखी है, आई मीन एयर 100 है, मैं सुगुन 858 यूज़ कर रहा हूँ और 360 मैंने अपनी हीटिंग रखी है। थोड़ी देर चलाना है, नजर पहनी होनी चाहिए भर है ना, नहीं तो आपने कॉम्प्लेंट भी घुसा दो। ये बोर्ड को अच्छा गर्म कर देती है पूरा। ये देखो लगभग 10 सेकंड लगे होंगे मुझे, ये मेरा सीपीयू बाहर आ गया, ओनली 10 सेकंड, आप काउंट भी कर लेना, मे भी उससे भी कम जब से मैंने चालू किया। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है भाई, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी पैड कोई भी बॉल डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। अब हम इस पर पहले क्या करेंगे, इसके बॉलों का टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो आपने टेम्परेचर को कम करने के बाद में आपने आयरन चलाना है। ये देखो मैंने आयरन को कैसा क्लीन कर लिया, क्योंकि बिल्ट क्लीनर है मेरे पास। आयरन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ये करने के टाइम पे। ग्लू को आयरन से साफ नहीं करना, नहीं तो ऐसे पैड निकलेंगे। आप पहले तो आपने ना बॉलों को फ्लैट करना है, ठीक है। अब हमें ग्लू को क्लीन करना है।
सेम हीट सेम एयर जो शुरू में बताई थी वीडियो के, अगर स्किप कर दिया तो शुरू का देख लो, और बहुत आराम से करना है, ऐसा रगड़ना नहीं है, आप रगड़ोगे तो केस बिगड़ेगा आपका। अब देख सकते हैं एक पैड हमारा निकला है, अगर निकला है तो उसको बनाएंगे। और अगर एनसी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एनसी पैड था, हमारे को जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर पैड पे लेयर है, तो एनसी पैड लूज ही होते, कोई सीन नहीं है, निकलते हैं तो। थोड़ा साइड का व्यू कट कर लेते हैं। तो क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप क्लीनिंग ही से करोगे सही तरीके से, आपका कोई भी आईसी नहीं लगेगी। तो आपने ना जूम करके इसको चेक करना है,
कई जगह की छोड़ देना है क्योंकि भैया ट्रक चले जाते हैं जबरदस्ती करने से। अब हम देखेंगे हमारे पीसीबी में कोई भी ट्रैक सही ट्रैक, तो हमारा देखो ये भी एनसी है हमारा जो ये वाला ट्रैक है, ठीक है, तो सीन नहीं है। अब एक बार सीपीयू की रीडिंग भी देखी जाए कितनी हो रही है बिना सीपीयू की रीडिंग। ठीक है, ये SMD देख सकते हो आप मेरी, ये आप मेरी DC मशीन देख सकते हो, तो देखो शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है, तारों में शॉर्टिंग हो रहा है बस। अब हम शॉर्ट करके देखें, तो देखो इसको कहते हैं लो बूटिंग, 15, 16, 28, 20, अगर 30 के ऊपर है तो ये CPU ओके है, दिमाग में रखना, या तो एक आध पैड से ट्रांसफोल्ड होगा बट ओके है, जैसे RAM वैम की जगह से। अब हम चेक करेंगे, अब हम करेंगे CPU क्लीन, तो अब आप देख सकते हो CPU, ये वीवो के हैंडसेट का CPU है MediaTek, फुल ब्लैक, इसको डबल लेयर ब्लैक बोलते हैं हम, ठीक है। तो देखो एंजॉय करो वीडियो, नए नए तरीके सीख गए तो सीख गए, नहीं तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये काम ऐसे नहीं सीखा जाता है, इसके लिए क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है, कहीं बैठना पड़ता है। हीटिंग कम कर लेंगे टेम्परेचर, क्योंकि CPU डैमेज हो सकता है। जनरली इसके बॉल काफ़ी ट्राई हो जाते हैं, पर देखो मेरे बॉल ट्राई नहीं हुए क्योंकि मैंने जो टेक्निक यूज़ की थी उसकी वजह से। अब मैं और नहीं चलाऊंगा डिक वायर, अब मैं और डी सोल्डर वायर को यूज नहीं करूंगा। और क्योंकि डी सोल्डर वायर जितना चलाऊंगा मेरा CPU उतना डैमेज होगा, ये बहुत कम लोग समझते हैं बात। तो आपने ये स्क्रैपर का यूज़ करना है, प्लस आपने सही तरीके से स्क्रैपर को हैंडल करना है और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाना है बस।
ऐसे ऐसे देखो, जैसे जैसे उसको हीट लगेगी वो अपने आप निकालता जाएगा, जबरदस्ती नहीं करनी है। फाइनली आपका हीटिंग हीट से ही वो आपका ग्लू बाहर होगा। हल्का हल्का चलाना है, देखो जैसे ये नहीं निकल रहा ना, पर जैसे हीट लगती आएगी आगे चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, जहां कन्वेंस लगे वहां पहले चला लो, रगड़ना नहीं है, नहीं तो स्क्रैच आएंगे, नहीं तो फिर सोल्डिंग मास्क का यूज करना पड़ेगा सीखने में, कोई मतलब नहीं है। अगर अनस्किल्ड हो तो पहले अपने फोन पे कर लो, कस्टमर के फोन को मत बिगाड़ो। बल्कि सोल्डिंग मास्क कोई फाइनल सलूशन नहीं है कि तुम्हारा सेट ओके हो जाएगा, वो भी बहुत स्किल से ही बनता है, क्योंकि अगर दो लेयर आपस में शॉर्ट हो गई तो सोल्डिंग मार्क्स भी उसको निकाल नहीं पाएगा। सीपीयू को पलटाना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसकी दोनों साइडों को क्लीन करेंगे, चाइनीज़ क्या करते हैं 400-500 की हीट रखेंगे यहाँ से एक बार, पर ये बहुत बैड ड्रिक्स है भाई, मजाक नहीं है ये, इसके लिए स्किल नहीं, इसके लिए किस्मत होनी है, क्योंकि सीपीयू निपट जाएगा। उनकी वीडियो में देखो लाइव 10-10 में से 5 सीपीयू निपटा देते हैं। चलो हमारा सीपीयू डन, क्लीनिंग डन, जल्दबाजी नहीं। चमकता होगा सीपीयू, तो रिवॉल्व करेंगे। सीपीयू का नंबर क्या है? तो
स्टेंसिल सीपीयू के लिए स्टेंसिल चाहिए। वैसे हम उससे नॉर्मल स्टेंसिल से भी कर सकते हैं। पढ़िए ओप्पो वीवो का हम रिक्स क्यों लें जबरदस्ती जब हमारे पास स्टेंसिल है तो। ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए कभी, स्मार्ट रहो। ये देखो अभी जो फोल्डिंग मार्क का हुआ है ना, ये देखो मेरे पास 1 साल से है, 1 साल 1.5 साल से मेरे पास ये। मैंने 2020 में ख़रीदा था डायरेक्ट चाइना से। ये जो हुआ बनाया ना अभी, ये देखो आईफोन का यूनिवर्सल भी है इसमें। पीपीडी लेते हैं, कचरा भरा है इसके अंदर, निकालना जरूरी है ना। ये रिवॉल्व होगा ना, सही नॉलेज अंदर जाएगा, समझ रहे हो। देखो अभी भी कचरा है काला सा।
इसको कहते हैं वन टाइम में रिवॉल्व। देखो सीपीयू रिवॉल्व डन, ठीक है। डन, तो आपने देखा होगा किस तरह से मैंने रिवॉल्व किया। अभी भी नहीं सीख रहे हो तो क्लासेस ज्वाइन करो, ये गारंटी है कि चौथे दिन में सीपीयू लाइव लगाओगे सेट में, वो भी एक बार नहीं चार बार, और डेली करवाऊंगा डेली हार्डवेयर की क्लास में डेली चौथे दिन से। ग्लास ऐसी नहीं है इसलिए हाथ में रख सकते हैं, ग्लास ऐसी होती तो हाथ में नहीं रख सकते थे, ठीक है। ये वीवो का फुली ब्लैक पेस्टेड है, कोई साउमी का सीपीयू नहीं है। अब हम सीपीयू लगाएंगे, बोर्ड में तो करना क्या होता है, हल्का सा पेस्ट जो रोजिन भी डाल सकते हो। चलो आज रोजिन से लगाते हैं, चेंज करते रहना चाहिए टेस्ट। ठीक है, इतना काफ़ी है। रोजिन क्या है, चुपका लेगा उसको, एक तरह से बैठा लेगा ये भी कह सकता हूँ। टूल आपके यहाँ साफ होने चाहिए क्योंकि वही टूल से गंदगी आपके फोन पे वापस जा सकती है। चलो हीट और एयर वही सेट करेंगे जो एमएमसी में बताई थी। अगर आपने एमएमसी वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले एमएमसी वाला वीडियो या पावर वाला वीडियो देख लो, ठीक है। ये इसी चैनल में है और उसमें हीट और एयर पूरी बताई है, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कमेंट मत करना कि हीट और एयर क्या रखी है। मैं पहले बता रहा हूँ, गैस कर रहा हूँ ताकि आप वो वीडियो पर जाओ और उससे नॉलेज मिलेगा और हमको व्यू मिलेगा।
सीपीयू को चाहो तब से हीट देनी होती है। अभी थोड़ा मूव करेगा, आप देखिए उसको। क्योंकि मैंने ट्रिकी तरीके से सीपीयू लगाया है, ये देखिए हल्का मूव किया ना। ये ट्रिक सबसे बेस्ट है और हमेशा कामयाब रहता है, इसको कहते हैं 000 ट्रिक। ये पेस्ट आना बाहर चालू हो गया, जबरदस्ती हीट नहीं देनी कि पेस्ट अब आएगा अब आएगा, थोड़ा पेस्ट बढ़ा लो। चलो ये टेक्निक है भाई, ये आपके ही सीखनी पड़ेगी, ऐसा देखकर नहीं होगा। और ऑनलाइन सीखने वालों, क्यों अपने पैसों की बर्बादी कर रहे हो भाई, आधा अधूरा ज्ञान, आना तो फिर ऑफलाइन ही पड़ेगा। तो चलो हमने इसका सीपीयू रिबॉल कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब और यहाँ पे हमने एक कॉम्पोनेंट भी लगा लिया है, हमारा रिमूव हो गया था। अब हम इसका बूटिंग देखते हैं कि क्या इसका बूटिंग आ रहा है। तो अब ये मेरा 4 नंबर वाला ये टूट गया है, इसको मैं बाद में बना लूँगा, और ये मेरा फिलहाल 5 नंबर वाला लग जाएगा, 4 और 5 दोनों लग जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखिए लग गया, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब मुझे सेव और सेव खाली क्या देना है, टिकट करना है। तो आप रीडिंग देखो भाई, 200 के पार जाएगा तो चालू है रीडिंग। तो 200 के पार चला गया है, अब 400 500, इसका मतलब ये हमारा परफेक्टली ऑन हो चुका है। तो ये वीडियो कैसा लगा बताएगा जरूर, और आई होप कि आप ये वीडियो देख के बाद प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। और ये समझ लें, ऑनलाइन और प्रैक्टिकली सीखने में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप आएंगे तो आप 100% करके जाएंगे, और ऑनलाइन का भरोसा नहीं है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं ये हमें पता नहीं है। क्लियर है?